जसोल धाम में नवनिर्मित श्री सवाई सिंह जी, श्री लाल बन्ना साह, श्री बायू साह, श्री खेतला जी व श्री भैरव जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बुधवार को देवताओं का नगर भ्रमण हुआ। जसोल धाम में देव प्रतिष्ठा को लेकर श्री रानी भटियाणी मंदिर से गाजे बाजे के साथ देवता नगर भ्रमण को निकाला गया। वहीं रात्रि में प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। मालानी क्षेत्र के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक माने जाने वाले जसोल धाम में बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। जसोल धाम के मंदिरों की प्रतिष्ठा समारोह का लेकर बुधवार को मूर्तियों के नगर भ्रमण व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस नौ दिवसीय प्रतिष्ठा समारोह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए बरसते फूल, ढोल व धमाकों के साथ युवा केसरिया ध्वज लहराते हुए घोड़ों पर व राजस्थानी वेश धारण कर थिरकते गैरिये निकले तो जसोल का सारा जहां देखने लायक था। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के शक्तिपीठ जसोल धाम में धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्री रानी भटियाणी की पवित्र धरा पर नवनिर्मित श्री सवाई सिंह जी, श्री लाल बनसा, श्री बायोशा, श्री खेतला जी, श्री भैरव जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जब हजारों लोगों के साथ प्रतिष्ठित होने वाली देव प्रतिमाओं का नगर भ्रमण हुआ तो सारा जसोल स्वागत करते हुए नजर आया। मंदिर प्रबंधन कमेटी सदस्य फतेह सिंह ने बताया कि जसोल धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर प्रतिष्ठित होने वाले देव देव प्रतिमाओं को मंगल आरती के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जूना अखाड़ा व दुधेश्वरनाथ मठ गाजियाबाद, नारायणगिरी महाराज, कनाना श्रीमठ मठाधीश महंत परशु गिरी जी महाराज व वरिया महंत गणेशपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में नगर भ्रमण के लिए सजाया गया तथा सुंदर वस्त्रों को श्रृंगार किया गया। नगर भ्रमण को निकले सजे रथ पर देव प्रतिमाओं को विराजित कर नगर भ्रमण हेतु निकाली गई शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों और पूरे जोश और उत्साह के साथ निकली। देव प्रतिमाओं के नगर भ्रमण के दौरान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल, सिंधरी रावल विक्रम सिंह, गजेंद्र सिंह जसोल, ईश्वर सिंह भवरानी, पूंजराज सिंह वरिया, मांगू सिंह जगसा, सिरगीलाल सालेचा, देवेंद्र कुमार माली, डॉक्टर सौरभ सारदा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम 5 दिवस से चल रहा है और ये मुख्यतः हमारे श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान के अंतर्गत 3 नए मंदिर बने हैं। एक तो सवाई सिंह जी, दूसरा लाल बनासा, तीसरा भैरव जी और क्षेत्रपाल या खेतला जी और बाया सा। ये पुराने मंदिर थे, उनकी जगह अब नए मंदिर बन गए हैं तो उसमें मूर्तियों की स्थापना हो और इतने दिन से यहाँ पर हवन चल रहा है। इसमें दक्षिण के भी पंडित आए हैं, टोटल 27 पंडित हैं, 15 विभिन्न वेदों के पंडित हैं, तो हर वेद के 4-4 पंडित विधि अनुसार अनुष्ठान हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम है यह नगर भ्रमण का है। जो मूर्तियों की स्थापना होने जा रही है प्राण प्रतिष्ठा, उनका नगर भ्रमण होगा और उसके अंदर सर्व समाज के सभी समाजों के लोग सम्मिलित हैं। माता रानी भटियाणी हमारी इस मारवाड़ की दिव्य परंपरा की वो संवाहक हैं, जहां मारवाड़ की परंपरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है और यहाँ आने वाले भक्त भाविकों के मन में जो भी संकल्प होता है माँ उस संकल्प को पूर्ण करती हैं। और जब से हमारे किशन सिंह जी रावल साहब ने इन व्यवस्थाओं को संभाला है, आप स्वयं देख रहे हैं कि कितनी मर्यादा पूर्ण यहाँ का व्यवस्थाएं। और अभी जो पंचदिवसीय अनुष्ठान चल रहा है उसमें अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि वैदिक शास्त्रोक्त और पुराणोक्त पद्धति की जो वास्तविकता होनी चाहिए वो इस अनुष्ठान में नजर आ रही है। नौकुंडी यज्ञ में प्रतिदिन आहुति दी जा रही है। चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान पंडितों के सानिध्य में पूजन करवाते हुए मंत्रों के साथ आहुतियां दिलाई गई, जिसमें यजवानों ने पारंपरिक धोती कुर्ता साफा पहनकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुति देकर देश प्रदेश में सुख शांति की कामना की। जसोल धाम में
देव प्रतिमाओं के प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंगलवार रात्रि को आयोजित हुए भक्ति जागरण में गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। माजीसा सवाई सिंह रानी रूपादेव के भजनों ने मंत्रमुग्ध कर दिया, जिस पर श्रोता झूम उठे। कमेटी सदस्य फतेह सिंह ने बताया कि बुधवार को पंडित गिरीश कुमार द्वारा कन्या पूजन करवाया गया, जिसमें कन्या पूजन व भोजन प्रसादी का लाभ लाल सिंह सिसोदिया असाड़ा, अर्जुन सिंह मारूली परिवार सिरोही ने लिया। मंदिर प्रबंधक रावल किशन सिंह जसोल ने बताया कि समारोह में निज मंदिर के अलावा सभी मंदिरों के जीर्णोद्वार का विधि विधान से मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जा रही है। समारोह में नवोदेशीय रामकथा यज्ञ अनुष्ठान 1008 कन्याओं को प्रतिदिन भोजन करवाया जा रहा है। प्रतिष्ठा समारोह में क्षेत्र के प्रमुख साधु संतों के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें जसोल बालोता सहित जिले भर के हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।